क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट। पोस्ट ऑफिस हमें दो टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमने पढ़ लिया, मेल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज। मेल सर्विसेज हमें अच्छे से आ गया, हमने पढ़ लिया, अब बारी है फाइनेंशियल सर्विसेज को अच्छे से पढ़ने की। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बेटा, आप लोग बहुत इंजॉय करोगे इसको, तो इसलिए अपनी कॉपी किताबें सब बंद कर दो, सिर्फ देखो, इंजॉय करो, समझो ध्यान से, ठीक है। तो अब ये आपको सिर्फ ये रटने के लिए, पेपर देने के लिए नहीं है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो अपने घर जाकर, तो इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा सब लोग। लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट स्कीम। तो पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम होती है बेटा, MIS बोलते हैं इसको, मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। जिनके पास लमसम अमाउंट नहीं है वो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट को डिपॉजिट करवा सकते हैं, जाकर एक फिक्स्ड अमाउंट होती है और उसके ऊपर वो क्या पा सकते हैं, इंटरेस्ट पा सकते हैं। देखिए बेटा, ये ज़्यादातर एंकरेज करने के लिए बनाई गई है, जितने भी छोटे जैसे इनकम वाले लोग हैं जिनके पास कम इनकम होती है, लेकिन वो उस कम इनकम से भी कुछ फ्रूटफुल कुछ बचाना चाहते हैं, तो वो एवरी मंथ जाकर जितना भी उनके पास अमाउंट है वो सेव करवा लें और उसके ऊपर उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा रेकरिंग डिपॉजिट पे। बेटा रेकरिंग डिपॉजिट एक तो आपने बैंक में पढ़ा था, वही RD आप सेम पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हो, आपको एक RD की कॉपी मिलेगी। हर महीने मान लीजिए आप 1000 रुपये या 2000 रुपये या 1500 रुपये जमा करा रहे हैं, ठीक है, वो आपने पूरा साल कराना है, फिर उसके बाद वो मैच्योर होगा मान लीजिए 2 साल बाद, तो विद इंटरेस्ट आपको वो सारी की सारी अमाउंट जो है वो पे कर दी जाएगी। तो RD का पॉइंट बिल्कुल भी मत भूलना, आप अभी घर जाकर अगर आप RD खुलवाना चाहते हो आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है। चलिए अब आते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे। बेटा NSC, दिस अंडर दिस अ फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स्ड अमाउंट जमा करा दी, 1 लाख 1.5 लाख फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए करा दी, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम मैंने लिखा हुआ आपको, 6 साल बाद आपको ये पैसा मिलेगा विद इंटरेस्ट मिलेगा, ये है NSC। और आज की डेट में आप NSC कैसे करा सकते हैं ये बताती हूँ। आज की डेट में 6 साल वाला नहीं चल रहा, 2 चल रहे हैं, या तो 5 साल में आपका पैसा मैच्योर होएगा या 10 साल में मैच्योर होगा। अब इसके ऊपर क्या इंटरेस्ट मिल रहा है आज की डेट में, 6.8% पर एनम मिल रहा है 5 साल के लिए अगर आप करवाते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेते हैं। जाइए पैसे जमा कराइए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले लीजिए, ये पैसा आपको 5 साल बाद मिल जाएगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, 6.8% पर एनम के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, अगर आप इसमें टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो आप इसमें 1.5 लाख तक पैसे जमा कराइए, यानी कि 1.5 लाख रुपए जमा कराइए पोस्ट ऑफिस के पास, पोस्ट ऑफिस देगा आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और आपको ये पैसा 5 साल बाद मिलेगा। इंटरेस्ट रेट क्या पड़ेगा, 6.8% पर एनम, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम है, आप घर जाइए, पेरेंट्स से शेयर कीजिए, फिर पोस्ट ऑफिस जाइए। किसान विकास पत्र पढ़ते हैं, NSC किसान विकास पत्र बिल्कुल सेम, बस किसान विकास पत्र किसके लिए बता दो, किसान के लिए। रूरल एरियाज में किसान को पैसा सेव करना है वो क्या ले लेगा, किसान विकास पत्र। फर्क सिर्फ एक है, 6.9% जो है इसमें इंटरेस्ट मिलेगा आपको, NSC में कितना मिल रहा है, 6.8%। ये शुरू कब हुआ था, 1988 में किसान विकास पत्र शुरू हुआ था, और इसमें मिनिमम अमाउंट आप कितनी डाल सकते हो, 1000 रुपये, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगेन मैंने बताया, 1.5 लाख रुपये तक अगर आप जमा कराते हो तो टैक्स सेविंग आपको हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पैसा जमा कराओ, सर्टिफिकेट लो, 2 टर्म्स के लिए है, 5 साल के लिए है, ठीक है, और 10 साल के लिए है आपके पास। अगर आप 5 साल वाला करवाते हैं तो आपको 6.8% पर एनम इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। किसान विकास पत्र इज एग्जैक्टली सेम एज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सिर्फ स्पेशली किसान के लिए है, जो किसान आदमी है वो लोग किसान विकास पत्र ले सकते हैं और उनको इंटरेस्ट मिलेगा 6.9%। मिनिमम अमाउंट है 1000 रुपये, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। चलिए अब आते हैं मेरा पर्सनल फेवरेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कुछ साल पहले मेरी मम्मा ने मुझे बताया था PPF के बारे में, ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट थे, पढ़ा तो था लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हुए अपने खुद के मम्मा को देखा। तो व्हाट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आपको PPF खुलवा सकते हो आप पोस्ट ऑफिस के पास जाकर। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप फाइनेंशियल ईयर, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर कब तक होता है बताइए, 1 अप्रैल तक होता है ना, 1 अप्रैल से आपका जो एक फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है। तो फाइनेंशियल ईयर के अंडर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप इसमें पैसे जमा करा दीजिए, जितने भी आपको कराने हैं, ठीक है। अब इसमें भी मैं आपको बताऊं, 1.5 लाख वाला वही सीन है,
टैक्स सेविंग करनी है तो आप 1.5 लाख रुपए जमा कराइए, ठीक है। मेरी मम्मा ने भी मुझे यही बताया कि अगर हम हर साल 1.5 लाख रुपीज जमा कराते हैं 15 साल बाद हमें विद इंटरेस्ट वो पैसा मिल जाएगा और काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट है पीपीएफ में। मेरे मम्मा ने मुझे एक बात सिखाई थी, मैं आज आप लोगों को वो बात पास ऑन करना चाहती हूँ। मैंने कल भी रिपीट की थी क्लास में कि अलग अलग टाइप के जो है इन्वेस्टमेंट के पेड़ लगाइए, कुछ पैसे शेयर्स में डालिए, कुछ पैसे किसी योजना में डालिए, तो कुछ किसी योजना में डालिए। तो पीपीएफ इज वन सच योजना जिसमें आप सबको घर जाकर अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। इट हैज अ वेरी गुड इंटरेस्ट रेट और ये आप लोगों को करवाना चाहिए फॉर 15 ईयर्स। सो दिस इज इट। फाइनेंशियल सर्विसेज आपकी कितनी है टोटल? 5, ठीक है। क्या क्या मिल रहा है आपको? मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम, मंथली बेसिस पर एक फिक्स्ड अमाउंट जमा कराते जाइए और मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट पा लीजिए। उसके बाद आता है रेकरिंग डिपॉजिट आरडी, जिसमें एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम तक आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने जमा कराइए, 1000 रुपए हर महीने, 1000 रुपए जनवरी, 1000 रुपए फरवरी, 1000 रुपए मार्च, करते करते 1000 रुपए दिसंबर तक आप जमा कराते जाइए। वो पैसा आपको मेच्योरिटी पीरियड पे मिलेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट रेट। फिर आपने पढ़ा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है, जाओ जमा करा दो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले आओ। मेच्योरिटी पीरियड 2 चल रहे हैं आजकल, 5 साल का, 10 साल का। अगर 5 साल वाला कराते हो एनएससी तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 6.8% पर एनम। किसान विकास पत्र बिल्कुल एनएससी जैसा है, बस ये किसान के लिए स्पेशल है, इसमें आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 6.9% पर एनम। और पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये क्या है? पोस्ट ऑफिस अलाउज द फैसिलिटी ऑफ ओपनिंग पीपीएफ। In this account, the account holder can deposit money anytime in a financial year, but money can be withdrawn only after 15 years, 15 saal. And with this, we come to an end.